वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि जब पति और पत्नी का रिश्ता बिगड़ जाता है तो पत्नी द्वारा पति के ऊपर 498A दहेज का केस कर दिया जाता है। तो इस केस से पति की गिरफ्तारी नहीं होने वाली है। पति को यहां पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैसे गिरफ्तारी नहीं होने वाली है ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि दोनों का जब रिश्ता बिगड़ जाता है, पति और पत्नी का, तो पत्नी द्वारा पति के ऊपर जब 498A का केस कर दिया जाता है तो पति यहाँ पे पूरी तरह से घबरा जाता है और वो भाग जाता है। तो यहाँ पे उसको भाग के नहीं जाना है। अगर पुलिस द्वारा उसको थाने में बुलाया जाता है तो थाने में उसको जाना चाहिए, पूरी जानकारी वहाँ पे देनी चाहिए। अगर उसके ऊपर 498A का झूठा केस दर्ज किया गया है तो उसको एविडेंस देना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए कि उसके ऊपर गलत केस ये दर्ज किया गया है, झूठा केस दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी उसको देनी है, पुलिस की मदद उसको करनी है, भाग के नहीं जाना है। तो यहाँ पे उसकी गिरफ्तारी कैसे नहीं हो सकती है पति की, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो CRPC की धारा 41 के सबसेक्शन ए के अंदर ये कहा गया है कि जहाँ तक आवश्यक नहीं हो, 7 वर्ष तक के जितने भी मामले हैं उनके अंदर पुलिस द्वारा किसी की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो 498A दहेज का केस आता है वो 3 वर्ष तक की सज़ा का आता है। तो इसलिए इसमें जब तक आवश्यक नहीं हो पुलिस द्वारा पति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। अब इसमें दूसरा आता है, इसमें जब पति की गिरफ्तारी नहीं होगी तो दूसरा इसमें सॉल्यूशन आता है, एक जजमेंट है अनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का। तो इसमें यह कहा गया है कि जब दोनों का ये ऐसा कोई मामला है दहेज वगैरह का, तो उसको मीडिएशन सेंटर के अंदर भेजना चाहिए, आपसी सुलह, आपसी समझाई से ही अगर ये मामला सुलझ जाता है तो उसको मीडिएशन सेंटर के अंदर जरूर भेजना चाहिए, जिससे ये मामला वहीं पे सुलझ सके। तो इस तरीके से भी पति की गिरफ्तारी वहाँ पे बच सकती है और दोनों का रिश्ता वापस बन सकता है। अब इसमें तीसरा सोल्यूशन आता है, पति की गिरफ्तारी नहीं हो, वो तीसरा सोल्यूशन इसमें आता है कि पति के द्वारा अगर उसके ऊपर ऐसा कोई केस दर्ज होता है 498A का, तो उसको 438A में एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत वो ले सकता है। अगर उसको गिरफ्तारी की आशंका है तो गिरफ्तारी से पूर्व ही अग्रिम जमानत ले सकता है। तो इसके लिए वो सेशन कोर्ट में भी अप्लाई कर सकता है। अगर सेशन कोर्ट में उसकी बेल खारिज हो जाती है तो वो हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत जरूर ले सकता है। 100% उसको अग्रिम जमानत वहाँ से मिल जाएगी। अब इसमें चौथा सॉल्यूशन आता है, वो आता है कि जो उसके ऊपर 498A की जो FIR दर्ज की गई है, केस दर्ज किया गया है पत्नी के द्वारा, तो उसकी क्वेशिंग के लिए वो हाई कोर्ट जा सकता है CRPC की धारा 482 के तहत। क्वेशिंग यानी कि अगर उसके ऊपर झूठी FIR दर्ज हुई है वो, तो उसके जो भी एविडेंस है वो लेके और वो हाई कोर्ट जा सकता है और उस FIR को चुनौती दे सकता है। तो उस FIR को वो वहाँ पर जाके और रद्द भी करवा सकता है। तो ये उसके बचाव के उपाय हैं पति के, जो उसकी गिरफ्तारी को बचाते हैं, यानी कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होने वाली है। अगर वो ये स्टेप अपनाता है तो बिल्कुल उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये सारी जानकारी आपके समझ में आ रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं। फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।